मटर, इसको देख के अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आज कुछ बनने वाला है। तो ये ठंड में तो ऐसा है कि मटर खा खा के आदमी बोर हो गया है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मटर का आप क्या बनाए, पराठा बनाए, घुगनी बनाए, काबली बनाए, क्या बनाए। तो चलिए उसमें से एक आज मैं ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि ये रेसिपी में क्या कि इस वीडियो में मैं कौन सी इनमें से रेसिपी बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कुकर चढ़ा लेंगे और फिर इसमें जब पानी है उसका सूखने का इंतज़ार करेंगे। ठंड में तो मटर खा खा के ऐसा हालत हो जाता है कि जैसे जब होता है ना, जब अपना फेवरेट खाना बारह मिलने लगता है तो खाना फेवरेट ही नहीं होता, वही हाल हो जाता है। तो अब हमारा पानी सूख गया था, तो इसमें हम तेल डाल देंगे और थोड़ा सा ये सूखा ये जीरा डाल देंगे और फिर उसके बाद जो प्याज काट के रखे थे उस प्याज को भी काट देंगे। तो ठंड में मटर का एक अपना ही ये मज़ा होता है, और मटर जो है वो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ कोई मटर ना खाए। मटर क्योंकि एवरग्रीन है ठंड के लिए, पराठा खा लो, ये सब्जी खा लो या कुछ भी खा लो, मेरे यहाँ तो मटर के सब खूब दीवाने हैं। इन लोग का बस चले तो जितना दिन मटर रहे उतना दिन ये लोग मटर ही खाए। तो खैर ये सब चीज़ को साइड में रख के अपनी रेसिपी पे थोड़ा फोकस करते हैं, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि बस बातें ही बनाती है, कुछ खिलाती पिलाती नहीं है तरीके का। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो पे आए हो तो कुछ ना कुछ अच्छा सीख के ही जाओगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा कुछ सिखा के ही जाओ, क्योंकि मेरा मोटो ही ये वही है कि लोगों को ये मेरा वीडियो देख के टाइम वेस्ट ना हो, उन वो अगर मेरा वीडियो देख रहे तो कुछ ना कुछ वो सीख के ही जाए। देखिए अब मेरा प्याज जो है वो भुन गया। अच्छा अभी तक आप लोग ये एज्यूम किए कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, नहीं किए तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको क्या लग रहा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा टमाटर ये मिला दी और इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार मैं नमक भी डाल दी हूँ। तो जो ये नमक था उतना ही डालेंगे जितना हम लोग को ये स्वाद के लिए ये ज़रूरत हो। फिर उसके बाद ये हम लोग थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला भी डाल देंगे। अब जो हम लोग का मटर है इसको थोड़ा सा देख लेंगे, बीन लेंगे कि कुछ इसमें गंदगी तो नहीं ना, और इसमें एक हरी मिर्च भी ज़रूर डालेंगे क्योंकि मिर्च पाउडर से स्पाइसीनेस तो होता है लेकिन हरी मिर्च से एक अलग ही लेवल का स्पाइसीनेस आता है, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब इसमें हम लोग सारे मसाले भी डाल दिए हैं, जैसे मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। अभी मैं हल्का ही डाली हूँ, अभी मैं दोबारा भी इसमें डालूँगी क्योंकि एक ये इसमें ये मैंने सोचा था कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखो कि टेस्ट में क्या फ़र्क आएगा। तो अब मैं इसमें हरा मटर डाल दूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा और लाल मिर्च इसमें डालूँगी, जिससे ये होगा कि जो ये रेडनेस है सब्ज़ी का वो थोड़ा सा और उभर के आएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे मटर की घुगनी, जो कि कुकर में बनती है सीटी के साथ। तो आप भी इस ये ठंड में इस डिश का आनंद ले और बनाए और घर में सबको खिलाए। ये जो रेसिपी है वो लंच पैक करने में भी इजी है, बच्चों को देने में भी इजी है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, घर पे तो खाते नहीं पर लंच बॉक्स में तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हाँ क्या खाए नहीं खाए। तो आप ठंड में ये उनको दे सकती हैं। मैं तो अक्सर यही करती हूँ कि अगर कोई ये सबका मटर से अगर मन भर जाए तो मटर की और रेसिपी मैं ढूंढ के निकालती हूँ, जैसे मटर का पराठा, मटर का एक बार तो मैं नमकीन हलवा भी ये बनाई थी मटर का, मटर उबाल के और उसमें ये मतलब उसको तेल में अच्छे से फ्राई करके नमकीन, बहुत टेस्टी लग रहा था वो खाने में। अब इसमें मैं पानी ये डाल चुकी, अब इसको हम लोग सीटी लगा देंगे, दो दो विसिल लगेगा उसके बाद जो हम लोग का मटर है वो तैयार हो जाएगा। और ये बहुत इजी मेकिंग रेसिपी है, इसमें हम लोग ऐसा नहीं कि घंटे दो घंटे लग जाएंगे, नहीं इसे मतलब मुश्किल से 5 से 7 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।